एक जवान रसूल खुदा के पास आया। देखिए वो इसी तरह इन्हीं फार्मूलों के जरिए से लोगों की जिंदगियों को बदल देते थे। लेकिन जहन में रखिए, मैंने कहा पहली शर्त है कंट्रोल। अगर इरादा बंदे का कमजोर है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। असल इरादे की मजबूती है और इरादा प्रैक्टिस से मजबूत होता है। उलमा अखलाक मिसाल देते हैं, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, अब एक दिन में तो डोले नहीं बनते ना। है कोई ऐसा बंदा जो दो दिन में बॉडी बिल्डर बन जाए? नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये मसल्स हैं। जितनी मसल्स में रिपीटेशन होगी, जितनी रिहर्सल होगी, जितनी एक्सरसाइज को रिपीट करते जाओगे, वैसे तुम्हारे मसल जो हैं बोल्ड होते जाएंगे और बॉडी बनती जाएगी। इसी तरह आपके ब्रेन के मसल्स हैं और ये भी तभी मजबूत होते हैं जब आप एक काम को रिपीटेडली क्या करते हो, करते हो। और इल्म अखलाक में कम अज कम किसी काम को अपने वजूद का हिस्सा बनाने के लिए 40 डेज की जरूरत है, यानी 40 दिन तक अगर बंदा कोई अमल करे, ये उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। दो दिन नमाज शब पढ़ो, तीन दिन नमाज शब पढ़ो, फायदा नहीं, फिर छूट जाएगी। कम अज कम 40 दिन बंदे को पाबंदी से पढ़नी पड़ती है। इसी तरह रोजा है, इसी तरह बुरी आदत है, इसी तरह अच्छी आदत है। मतलब एक बंदा सिगरेट पीता है, कहते हैं मौलाना आदत निकालनी है। मिनिमम 40 डेज है। 40 दिन अगर आदत निकल गई तो बंदे की आदत निकल गई। लेकिन अगर 40 दिन तक तुमने कंट्रोल नहीं किया, बाबा अदना मूसा सलासीन लैला वतममना हो बेआशर, ये 40 का आदत बड़ा अहम है। हर इस्लामी चिल्ला, हर इबादत जो काटी जाती है उसका आदत या 7 होता है, या 21 होता है, या 40 होता है। तो जब तक 40 दिन इंसान किसी काम को मुसलसल न करे, तब तक फायदा नहीं होता। कि अगर इमाम जमाना की ज्यारत चाहिए तो कुछ रिवायात में है कि 40 सुबह ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़े, कुछ में यह है कि 40 हफ्ते इबादत करे तो खुदा क्या करता है, मौला की ज़ियारत नसीब करवाता है। तो रिपीटेशन बंदे के वजूद में जितनी आएगी, इसी तरह उसके ब्रेन के मसल्स क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे। और जब ब्रेन के मसल्स मजबूत हो जाएंगे, अब जिस तरह हाथ में ताकत नहीं होती 5 किलो का वजन उठाए, लेकिन आपने मुसलसल से आदत दिलवाई, आदत दिलवाई, यहां तक कि यह 25-30 किलो का वजन उठा लेता है। इसी तरह इंसान के ब्रेन में अदम बर्दाश्त होती है, लेकिन जितना बर्दाश्त करता जाता है, सब्र की ताकत बढ़ती जाती है, कुव्वत सब्र बढ़ती जाती है। इसी तरह इसके ब्रेन के मसल्स मजबूत हो जाते हैं और इसका इरादा भी क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और मजबूत इरादे वाले लोग इनकलाबों को बपा करते हैं, कमजोर इरादे वालों को बपा नहीं करते। दुश्मन उसे खरीदता है जिसका इरादा कमजोर है, दुश्मन उसे डराता है जिसका इरादा कमजोर है, दुश्मन उसे झुकाता है जिसका इरादा कमजोर है। लेकिन जिसका इरादा मजबूत हो जाता है, उसका सर कट भी जाए फिर भी नोके नेजा पे तिलावत में मशगूल रहता है। इरादे की मजबूती है। जवान आया, या रसूल अल्लाह गुनाह की आदत है, क्या करूं? अब अहले बैत लोगों को परखते थे, इसके अंदर इरादे की मजबूती की निशानियां भी थी, दूसरा इसके अंदर अदब रसूल भी था। रसूल खुदा ने कहा मैं नहीं कहता कि ये गुनाह करो या ये गुनाह ना करो, ना ही मुझे बताओ कि तेरी बुरी आदतें क्या हैं, बस एक काम किया करो। कौन सा? कर रोज आओ और सुबह से लेकर शाम तक अपनी रूटीन मुझे बताया करो। इसने कहा यह तो मसला आसान है, रसूल खुदा ने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया है, मुझे यह भी नहीं बोला। मसलन मिसाल दे रहा हूं, यह गुनाह भी ना करो, ये गुनाह भी ना करो, वो गुनाह भी ना करो। कहता अब घर गया, रात को सुकून से सोया, सुबह उठा अपने काम के लिए, अब जो बुरी आदत थी जब उसको करने के लिए निकला तो फौरन जहन में ख्याल आया शाम को नबी को रिपोर्ट देनी है। तो इसने कहा चलो आज नहीं करता, कैसे बताऊंगा मैंने ये गुनाह किया। फिर शाम को जो बुरी आदत थी दूसरी, उसकी तरफ जाना चाह, फिर दिमाग में बात आई भाई शाम को रसूल। इसने कहा मैं तो फंस गया, ये तो रसूल ने बड़ा मुझे फंसा दिया। रात को अगर रसूल खुदा ने कहा बताओ सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, क्या रसूल काम पे गया, माँ से मिला, बीवी बच्चों के लिए सामान लिया, ये किया वो किया, कल अल्हम्दुलिल्लाह कल फिर आना। इसने कहा ये तो अच्छा, रसूल ने मुझे फंसा दिया है, मैं समझा एक दिन बताना होगा, ये तो हर रोज बताना पड़ रहा है। कहता दूसरे दिन उठा, फिर खिंचा हुआ जो गंदी आदत थी वो काम करने के लिए जा रहा, फिर जहन में ख्याल रहे कैसे करोगे, शाम को रसूल खुदा को बताना है। किसने कहा चलो आज फिर नहीं करता। इस तरह रसूल ने कहा फिर मुझे बताओ तूने क्या किया, सुबह से शाम तक ये किया, अच्छा कल फिर आके बताना। कहता यहां तक के 40 दिन गुजर गए, 40 दिन
रोज बुलाते थे, बताओ तूने क्या किया? मैं ये किया रसूल, क्या किया या रसूल, ये किया। कह 41वें दिन जब रसूल के पास आया, रसूल खुदा ने कहा जवान तू तो बोलता है तू बड़े गुनाह करता है, 40 दिन से आ रहा है मुझे तो एक बुराई भी नजर नहीं आई। कहा या रसूल गुनाह कैसे करता जब डेली आपको आकर रिपोर्ट देनी थी। कहा अब चला जा, जो तेरी आदत थी वो आदत तेरे अंदर से निकल चुकी है, अब कभी वो आदत पलट के नहीं आएगी। तो ये हासिबू कबल अन तो हासिबू आए। कहे मोमिन डेली अपने मुसल्ले पे बैठ जा, आज रसूल का जानशीन कौन है? पर्दे गैब में तेरा इमाम है। अगर अदब व एहतराम इमाम जमाना होगा, रोजाना बैठ जा मुसल्ले पर और 10 मिनट 15 मिनट सुबह से लेकर शाम तक तुमने जो कुछ किया है अपने मौला को बताना शुरू कर दे।